Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. Also welcome to another vlog. आज अभी मेरी मतलब अभी कॉल आया कि ये जो रिंग लाइट थी मेरी जिसको एक्सचेंज कराना था क्योंकि ये चल नहीं रही थी, तो अभी कुरियर वाले भैया का कॉल आया है कि आप एक्सचेंज करवा लो, मतलब मेरा मतलब दूसरी वाली रिंग लाइट आ चुकी है तो इसको सबमिट करा के आनी है एंड नई वाली लेके आनी है. तो चलते हैं अपने कैंपस के मेन गेट पे. लेट्स गो. ये वाला डब्बा है गाइस, इस डब्बे को मतलब एक्सचेंज में है वो लाइट. ये वाली चल नहीं रही है एक्चुअली, सारे मेथड्स ट्राई कर लिए बट ये ऑन ही नहीं हो रही किसी भी तरीके से, तो ये काम ही नहीं कर रही. तो फिर हम इसका करें क्या, तो इसकी जगह हमने रिप्लेस करवाया. इसमें रिटर्न का ऑप्शन ही था कि रिटर्न में क्या होता है कि पैक मतलब ये सामान दे दो एंड उसके बाद में आपके पास में जितने पैसे मतलब आपने दिए हैं इसके आपके अकाउंट में वापस आ जाता है. बट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि इसके बदले सेम यही प्रोडक्ट वापस से आता है जो सही होता है प्रोडक्ट. मतलब अब सही होगा या नहीं होगा उसका तो मैं कैसे बोलूँ रिप्लेसमेंट में जो आएगा, बट होपफुली अच्छा ही आएगा, सही आएगा. तो अब चलते हैं. कभी भी पैकेज को सील करके नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोग चेक करते हैं रिप्लेसमेंट के टाइम पे कि अपन ने सही प्रोडक्ट दिया है कि नहीं दिया, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, बिल वगैरह है सब है ऐसा सब कुछ. तो अब चलते हैं फटाफट से और इसको सबमिट करा के नई वाली लेके आते हैं. सो लेट्स गो. ओके, तो हमारे तो एक्चुअली यहाँ पे ये पीछे वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ये हमारे ग्राउंड है एंड यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है 15 अगस्त के प्रोग्राम की. सो हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू गाइस, की स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सल्यूट है उन जवानों को जो कि देश की सरहद पे खड़े होके अपने पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं. एंड हाँ, ये देखो गाइस ऐसा चल रहा है डेकोरेशन. कल होगा यहाँ पे प्रोग्राम. अभी 15 अगस्त का व्लॉग आपको 15 अगस्त पे ही पता चले, मतलब जब मैं ये फंक्शन एक्चुअली मैं अटेंड करने वाली हूँ तो ये आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में पता चलेगा. आज वाले व्लॉग में मैं इसके बारे में कोई चीज़ नहीं बताना चाहूँगी एंड कुछ स्पेशल चीज़ है, कुछ सरप्राइज़ है जो कि मेरे को मिलने वाला है. तो हाँ जी, जो मेरे को मिलने वाला है बट मेरे को पता है, बट आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है वो चीज़. सो या वो कल वाले व्लॉग्स में ही आप लोग पता पड़ेगा, मैं सारी चीज़ नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा हिंट दे दिया. अब अपना मतलब मेन गेट आने वाला है, फटाफट से इसको रिप्लेस करके आती हूँ. डन हल्के चुके, ये रहा अपना पार्सल एक्सचेंज करा ली. डिफरेंस नहीं है कुछ, मतलब बिल्कुल सेम डब्बा है. अब घर पे जाके बस इसको चला के देना क्योंकि मैंने सारे मतलब ट्राई कर लिया. इसको एक्चुअली USB से चलाते हैं, ठीक है. सब ऐसा डायरेक्ट प्लग नहीं, प्लग लगाते ऑन करते चालू है, नहीं. USB इसमें USB वाली केबल अटैच्ड है, इसमें केबल को उससे जोड़ना पड़ता है. चार्जर का वो होता है ना ऊपर वाला भी होता है, चार्जर की केबल निकाल के उसमें ये वाली USB वाली केबल लगा के फिर अपन जब ऑन करते तब चलता है ये, है ना. तो ये चल नहीं रहा था एक्चुअली, तो ये वो चल नहीं रहा था पिछली वाली जो लाइट थी उसके अंदर भी. मेरे को लगा शायद मेरे से नहीं चल रहा होगा. पापा ने भी ट्राई करा, फिर पापा ने बताया कि नहीं इसके अंदर कोई मिस्टेक ही लग रही है, तो एक्सचेंज करवा ले क्योंकि ये सही नहीं है लाइट. तो अब इसको चला के देखते हैं, होपफुली ये चल रहा है. हाँ अभी चला के देखेंगे इसको. तो ले लिया वो पुराना. हाँ ले लिया पुराना और बदले में ये दे दिया. गाइस देखो, हम लोगों ने मैंने लगा दिया है वैसे चार्जर के अंदर. ये रहा अपना अडैप्टर, ये रही इसकी USB केबल और यहाँ से अपन करेंगे इसको चालू. तो यहाँ पे एक रिमोट है उससे चालू करेंगे. ये देखो, वाह भाई मम्मी क्या लग रही है यार ये तो मोबाइल में. इसे चेंज हो सकती है, 3 कलर की लाइट्स होगी, एक तो ये ऑरेंज, वाइट और ये ऑरेंज, वाइट और येल्लो. वाइट ऑरेंज येल्लो, ठीक है भाई ठीक है. हाँ जी गाइस, तो एक्चुअली मैं आ चुकी हूँ अपने रूम के अंदर. ये जो मैंने अपन ने कल बैकग्राउंड बनाया ये वाला, ठीक है, इधर अपने को टेस्ट करना है कि ये कैसे लगेगी. सो ये रही मेरे सामने अपनी रिंग लाइट, ठीक है. मैंने इसको रख दी है बेड के ऊपर, रखी है मैंने इसको, ठीक है. अब इसको अपन चला के देखते हैं, ठीक है. अभी अपनी नॉर्मली क्वालिटी मेरी ये आती है व्लॉग्स के अंदर. जम गई मैं तो लिटरली, 23 पे ऐसे क्या ठंडा करता है बाप रे. तो अभी अपन रिंग लाइट जला के बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है. अभी नॉर्मल क्वालिटी ये आ रही है, रिंग लाइट ऑन करते ही क्वालिटी इंक्रीज हुई है. जो तो देखो भाई, मतलब एकदम क्लियर शक्ल एकदम वैसे दिखने लग गई, एकदम क्लियर की. अब देख लो गाइस, असलियत में मैं ऐसी दिखती हूँ. मतलब ब्लॉगिंग करते टाइम तो ऑब्वियसली इसको जगह जगह लेके नहीं घूम सकते, ब्लॉगिंग करते टाइम तो आप लोगों को ये वाली शक्ल ही दिखेगी जिसमें बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, एंड एक ही है जिसमें सब क्लियर दिख रहा है. ये रही अपनी रिंग लाइट, एक मेरे सामने से यहाँ से रोशनी आती है, एक मेरे यहाँ से रोशनी आती है, प्लस ये रिंग लाइट.
एक्चुअली व्हाट आई थॉट कि जब रिंग लाइट आ जाएगी तब इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा रखी वो दिखेगी, बट वो नहीं दिख रही है इसको जलाने के बाद में भी. सो फेरी लाइट्स लगाना वेस्ट रहा अपने लिए, बट एनी वेज अपने को तो रिंग लाइट से ज़्यादा मतलब था. तो यार अपनी रिंग लाइट आ चुकी है, एक वाइट कलर है. देखो मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा ब्लूइश वाइट कलर है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लू मतलब थोड़ा वाइट एकदम वैसा वाइट है, ठीक है. ये हो गया येलो एकदम, ठीक है, येलो है ये हो गया थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है तो ये पर्ल वाइट कह सकते हैं, फिर थोड़ा सा लाइट येलो सा कलर है, हल्का सा मतलब येलो का टिंट आ रहा है. तो एक तो ये है, ये दो कलर हो गए, और एक ही अपना तीसरा वाइट कलर जो नॉर्मल है. मेरे को ज़्यादा वाइट पसंद आ रहा है तो हल्का वाला येलो, ये डार्क वाला येलो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है. आई डोंट इवन नो कि कभी मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगी या नहीं, बट यस ये था अपना. ये रही अपनी रिंग लाइट अपनी वाली, ठीक है. ये है इसका ट्राईपॉड. अभी ट्राईपॉड में क्या है, मेरे को यूज़ कर रहे हैं बड़ा अजीब सा लग रहा है. रीज़न भी देखो, ये जो ट्राईपॉड है ना मतलब बड़ा अजीब सा ट्राईपॉड है. एक तो ये इसमें ऐसा है अजीब सा, मैं पता नहीं अजीब तरीके से हिलता डुलता है, ये मेरे को डर है. इसका ये इधर ग्रिप वाला पार्ट तो अच्छा है, बट ये जो इतना हिलता डुलता है मेरे को डर है कहीं मेरा फ़ोन गिर ना जाए, फिर बैठ के बाद में सीधी ज़मीन है तो गिरेगा तो सीधा ज़मीन पर मेरा मोबाइल जैसे यूजुअली गिरता रहता है वैसे ही गिर जाएगा, होपफुली ना गिरे. क्योंकि मैं सोचा था कि देखो हो सकता है कि मैं पीछे रिंग लाइट लगा के आगे खुद का ट्राईपॉड यूज़ कर लूँ, बिकॉज आई हैव अ ट्राईपॉड ऑफ माई ओन, इसके ट्राईपॉड की ऐसा जरूरत नहीं. बट परफेक्टली जो शूट होगा ना वो इसके बीच वाला जो ट्राईपॉड है ना इधर लग के तरीके से शूट हो सकता है. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को खुद को ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी. बाकी या ऐसे रूम के अंदर बस एक रिंग लाइट होते ही ऐसा लगने लगता है, पता नहीं क्या स्टूडियो सा लगने लग जाता है मेरा, मेरे को मेरा रूम लिटरली एकदम स्टूडियो वाला ही फील आता है नहीं रिंग लाइट से. तो मैं फटाफट से गई खाना खा के आती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया. सुबह सुबह उठी उसके बाद मैं पार्सल लेने चली गई, पार्सल आया हुआ था, मैंने कहा चलो भाई पहले एक्सचेंज कर जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही पार्सल वाले का फोन आता है मैं तो एक्साइटेड हो जाती हूँ. वैसे तो यूजुअली मम्मी पिक करती हैं, बट आज मैंने पिक करा तो मैंने कहा आज तो मैं लेके आऊँगी. तो फिर ये रिप्लेस करा के लाई है. एंड या कल 15 अगस्त का प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं कल ही बताती हूँ. हाँ जी गाइस, तो एक्चुअली मैं अभी खाना खा के निपट चुकी हूँ. एंड या अभी एक्चुअली हाँ अभी एक्चुअली या 15 अगस्त के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ तो क्लास 10th से रिलेटेड है. मतलब अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैंने 11th में कहीं और एडमिशन ले लिया, बट जो मेरा पुराना स्कूल है वो इधर ही है. तो कल ऐसा कुछ प्लान है मतलब वहाँ पर जाने. तो एक्चुअली यार मैं 15 अगस्त के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, बट मैं इस वाले ब्लॉग में नहीं बताना चाहती, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. सब लाइक टू एंड द ब्लॉग हियर इट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वॉट पार्टिसिपेट इन द गिव अवे टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. जिन लोगों के गिव अवे पार्सल रिसीव हो गए मैंने उन लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए, जिन लोगों के मतलब जिन लोगों के पार्सल अभी तक रिसीव नहीं हुए तो आ जाएंगे आप लोगों की टेंशन मत लो. थोड़ा टाइम ले लेते हैं कुरियर वाले पीपल, बट पहुँचा देते हैं. तो या बाय बाय.